हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हेल्दी एंड टेस्टी पीनट चाट। और ये झटपट बनकर रेडी हो जाती है। इसे हम सैलेड फॉर्म में, चाट फॉर्म में या स्नैक के रूप में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको हम बिना तेल के बनाएंगे तो ये और भी हेल्दी हो जाती है और ये वेट लूज में भी मदद करती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हम पीनट चाट कैसे बनाएँ। तो यहाँ पर एक कटोरी मूंगफली के दाने ले लिए हैं और इसको हम बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इसमें हम पानी डालकर एक घंटे या आधा घंटे के लिए भिगोने छोड़ देंगे। और ये एक घंटा हो गया है भिगोए हुए और ये अच्छे से फूल गए हैं, आप देख सकते हैं। और इनको हम कुकर में डाल के 5 से 6 सीटी ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें रेडी हैं, मूंगफली के दाने भी अच्छे से उबल गए हैं। तो यहाँ पर एक प्याज ले लिया जिसको बारीक चॉप कर लिया है, थोड़ी सी गाजर ली है जिसको भी चॉप कर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, एक हरी मिर्ची जिसको चॉप करना है, एक टमाटर जिसको भी चॉप करना है और थोड़ा सा खीरा जिसको बारीक बारीक चॉप कर लेना है। और ये सारी चीज़ें हम ये मूँगफली में डाल देंगे। तो इसमें हम खीरा डाल देते हैं, टमाटर डाल देते हैं, गाजर, प्याज, हरी मिर्ची और हरा धनिया। और इसमें 1/4 टीस्पून के करीब काला नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून सफ़ेद नमक डालेंगे। 1/4 टीस्पून हम काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून हम चाट मसाला डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें ऊपर से अमचूर पाउडर या नींबू भी ऐड कर सकते हैं। और ये बनकर रेडी हो गई है। अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं झटपट बनकर रेडी हो जाती है। ये पीनट चाट बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और हेल्दी भी होती है। और अगर आप इसको खट्टा मीठा बनाना चाहते हैं तो इसमें मीठी चटनी या सॉस भी ऐड कर सकते हैं तो और भी अच्छी लगती है। और अगर नहीं चाहते तो इस टाइप की नींबू डाल के भी बहुत टेस्टी लगती है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।